हेलो दोस्तों, आप सभी ने आज तक हमारे चैनल पर बनाए गए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बहुत सारे वीडियोस देख ही लिए होंगे, पर आज हम उसी पर आधारित और एक नया वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इनिशिएटिव के बारे में जो आने वाले समय में भारत की ट्रांसपोर्टेशन तकनीक को पूरी तरीके से चेंज करने वाला है। तो हम देखेंगे कौन सी है यह तकनीक, उसे किस तरीके से इस प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और उससे कौन से फायदे होने वाले हैं, और भी कई सारी बातें हैं इस वीडियो में जानने के लिए, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्यों ना इस चैनल को सब्सक्राइब किया जाए और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूले। तो दोस्तों, आप सभी को तो पता ही होगा कि दुनिया के सबसे बड़े प्रोजेक्ट में से एक दिल्ली मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर को एक उम्दा ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी मिले, इसके लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है और इसी प्रोजेक्ट के तहत बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी चलाए जा रहे हैं। उसी में से एक इनिशिएटिव है कि इसी प्रोजेक्ट को भारत का सबसे पहला इलेक्ट्रिक एक्सप्रेस हाईवे भी बनाया जाए, और इसी बात पर काम करते हुए भारत सरकार ने अभी इसका एक पायलट चलाने का ठान लिया है और इसके लिए उसने दिल्ली से जयपुर तक के स्ट्रेच को सिलेक्ट किया है। अगर सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक चलता रहा तो ऐसा माना जाता है कि भारत को अपना पहला इलेक्ट्रिक एक्सप्रेस हाईवे 2022 साल के मध्य तक मिल जाएगा। भारत सरकार ने पहले ही कहा है कि वह अपने कार्बन एमिशन कम करने के लिए बहुत सारे कदम उठाने वाली है और उसी इनिशिएटिव को आगे बढ़ाते हुए वह इस एक्सप्रेसवे को बनाकर अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करने में करेगी। अगर इस प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट की बात की जाए तो अभी सरकार एक स्वीडिश कंपनी के साथ बातचीत कर रही है जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करने में उसकी मदद करेगी। यह कंपनी पहले ही जर्मनी और स्वीडन में इलेक्ट्रिक हाईवेज का निर्माण कर चुकी है। तो आने वाले समय में सरकार का प्लान है कि इस हाईवे पर इलेक्ट्रिसिटी पर चलने वाली ट्रक्स और बसेस को चलाया जाएगा और उनका मैक्सिमम स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर का होगा, जिससे यातायात की गति भी बढ़ाने में मदद मिलेगी। और इसके अलावा यह सारा ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिफाइड होने की वजह से कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक 70% तक कम हो जाएगा। इस पायलट के तहत कुल प्रोजेक्ट के 20% एक्सप्रेसवे को इलेक्ट्रिफाइड किया जाएगा, जिसकी कुल लंबाई 200 किलोमीटर होगी, जिसके तहत इस एक्सप्रेसवे पर सेपरेट इलेक्ट्रिफाइड लेन्स का निर्माण किया जाएगा, जहाँ पर सिर्फ कार्गो ट्रक्स और बाकी के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ही चलाया जाएगा। इस वजह से भारत का जो 2030 का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का टारगेट अचीव करने में मदद करेगा। अगर आपको इलेक्ट्रिक हाईवेज कैसे होते हैं और इन्हें किस तरीके से चलाया जाता है, इसके बारे में अधिक जानकारी हासिल करनी हो तो हमने उस पर एक डिटेल वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक हमने ऊपर वाले आई बटन में छोड़ दी है, उसे देखना ना भूले। तो दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए ऊपर वाले आई बटन पर क्लिक करना ना भूले। तो दोस्तों, आप इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं और ऐसे कौन से प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हमें डिटेल वीडियोस बनाने चाहिए, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।